मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. थैंक यू. इट्स बेटर. अरे माइक ऑफ करो, कैमरा ऑन करो सारे लोग. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बच्चा. तो लास्ट टर्म पर ये डिस्कशन जो किया था हमने प्रोजेक्शन वाला, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर. नो सर. तो फिर एक काम करते हैं, मैं आपको है ना फिजिक्स में कुछ एप्लीकेशंस होते हैं इसके, डॉट प्रोडक्ट जैसे वर्क में काम आता है ना, वर्क का एक फॉर्मूला बताया था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है. तो ऐसे कुछ फॉर्मूले और हैं फिजिक्स में, वो बता देता हूँ. कुछ अपने जो इलेवेंथ में का, ट्वेल्थ में भी होते हैं, पर एक दो इलेवेंथ में और जो काम आते हैं वो बता देता हूँ. देखो, एग्जाम्पल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट. नंबर वन, वर्क डन बाय एनी फोर्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. लिख लो, वर्ड्स में भी लिख लो. वर्क डन बाय एनी फोर्स
it equals to dot product of force and displacement. W is equals to F dot S. F dot S है ना, ये लिख लो. नंबर टू, पावर डिलीवर्ड बाय एनी फोर्स, पावर डिलीवर्ड बाय एनी फोर्स इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. इज इक्वल टू dot product of force and velocity. तो बच्चों पावर जो होता है वो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है, ये हम रेस्पेक्टिव चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे. इलेवेंथ क्लास में तो मुझे और कोई फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा, ट्वेल्थ में है एक दो. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर. बच्चों याद है आपको शुरू में मैंने बताया था एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी. यस सर, आपने बताया था. हाँ, तो यहां पर काम आएगा वो, ट्वेल्थ में काम आएगा, इलेवेंथ में काम नहीं आएगा. लिख लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर. और एक और है, ये ट्वेल्थ में काम आएगा. इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर. इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर. करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर. बच्चों हमें ज्यादातर एग्जांपल वर्क के मिलेंगे, इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो वर्क ही है, जिस पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं. तो वर्क में वो क्या करेगा, आपको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट नहीं देगा, वो आपको बोलेगा ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम, कोई भी दो पॉइंट दे देगा, 2, 1, 3 meter टू 1 minus 2 3 meter. Due to action of a force, F is equals to 3 i cap plus 2 j cap minus 3 k cap. न्यूटन. कैलकुलेट वर्क डन बाय दिस फोर्स. तो बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा चेंज है, फोर्स दे दिया
लेकिन उसने डिस्प्लेसमेंट आपको डायरेक्ट नहीं दिया, डिस्प्लेसमेंट के लिए उसने आपको दो पॉइंट दिए हैं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, कि बॉडी यहां से चलना स्टार्ट हुई और यहां पर एंड हुई। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो बच्चों ये बात, ये बात मैं आपको स्ट्रेट लाइन मोशन में डिटेल में सिखाने वाला हूं, क्योंकि ये टॉपिक वहीं का है, यहां का टॉपिक नहीं है। पर अभी मुझे लगता है वेक्टर में कुछ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, इसलिए मैं हल्का सा एक आइडिया दे रहा हूं। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, जैसे अगर कोई बॉडी x1, y1 और z1 इस पॉइंट से x2, y2 और z2 दूसरे पॉइंट तक मूव करती है, ये बेटा कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं ना, तो उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट आप ऐसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो यहां पर भी आप इसी फॉर्मूले को यूज करके डिस्प्लेसमेंट निकालो इस क्वेश्चन में, और फिर वर्क डन निकाल कर दो मुझे। तो मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना सिखा दिया। और हाँ भाई, मुझे क्वेश्चन से याद आया, आपको हमने कुछ असाइनमेंट सेंड किए थे। तो yes, sir. उसमें ऐसा क्वेश्चन था सर। हाँ, तो क्वेश्चन भी होगा, और उसमें से कुछ काम वाम किया अभी आज मैं सोच रहा हूँ। yes, सर अरे ने किए सर, मैं एक ही कर पाया था, बाकी अभी एक ही कर पाया। अरे एक लफड़ा हो गया, मैंने आपको जो पहले वेक्टर 1 नाम से भेजा था वो अंदर 2 निकला, देखा होगा आपने। yes, sir. Yes, sir, तो बाद में मैंने सही करके भेजा है। तो 1 वाला डिस्कस कर लेते हैं आज। सर वर्क डन -9 जूल्स आ रहा है। -9 आ रहा है, ओके। यस सर -9 आ रहा है। यस सर -9। सबका -9 आ रहा है। तो बच्चों हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा, अब देखो हमारा जो x2 है वो है 1 और x1 जो है वो 2 है। तो डिस्प्लेसमेंट आएगा 1 -2 i कैप प्लस y2 हमारा -2 है और y1 1 है, j कैप प्लस हमारा z2 3 है, z1 भी 3 है। तो यह आ गया -i कैप -3j कैप और k कैप 0। अब बच्चों हमारा जो वर्क डन होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। फोर्स मैंने आपको दिया 3i कैप प्लस 4j कैप -5k कैप। -3k डॉट डिस्प्लेसमेंट है -3k 3j। आज बहुत गलती हो रही है। अब इन्हें डॉट प्रोडक्ट करेंगे a1b1 + a2b2 + a3b3 वाले से, तो 3 और -1 का प्रोडक्ट -3 आएगा, 2 और -3 का प्रोडक्ट -6 आएगा, और तीसरा वाला 0 आएगा। तो बच्चों -9 जूल आंसर आएगा, आपका करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट चल रहा था यहां से शुरू हुआ था स्केलर प्रोडक्ट, और अब हम मूव कर रहे हैं। देखो
वेक्टर प्रोडक्ट, तो बच्चों आपको हमने पहले ही बता दिया था कि अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, अभी तक हमने देखा ना डॉट प्रोडक्ट में स्केलर क्वांटिटी थी, है ना, राइट साइड में सब जगह स्केलर वैल्यू थी, yes, sir. तो अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर फाइनल वेक्टर क्वांटिटी आती है तो उसे हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट में बीच में क्रॉस लिखते हैं, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है फाइनल तो उसमें एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन। बच्चों इसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, वहां ए बी कॉस थीटा था ना, यहां साइन आता है। इसकी डायरेक्शन एन कैप लिख देते हैं, अभी जस्ट ए सिंबल है ये, हमें फाइनली इसकी डायरेक्शन अभी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, बताऊंगा। दिस इज जस्ट ए यूनिट वेक्टर, अभी मैंने सिर्फ सिंबल लिखा है, वैल्यू मैं बताऊंगा, डायरेक्शन मैं बताऊंगा क्या होती है। तो ए बी साइन थीटा क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, और एन कैप है यूनिट वेक्टर, या हमको लिखना चाहिए डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, दिस इज डायरेक्शन, ब्रैकेट में लिख देता हूं, और यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी। तो बच्चों मैग्नीट्यूड में तो कुछ मुझे खास बोलना ही नहीं है, वो तो वैल्यू ए बी साइन थीटा हम कैलकुलेट कर ही लेंगे। मुझे यहाँ पर डिस्कस करना है डायरेक्शन को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो 11th क्लास में ये काम नहीं आता, ज्यादा काम नहीं आता, बहुत कम आता है, लेकिन 12th क्लास में ये जबरदस्त काम आता है। वेक्टर के एप्लीकेशन 12th में ज्यादा यूज होने वाले हैं। What is n cap? बच्चों n cap जो होता है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में हमारे दोनों वेक्टर लाई कर रहे हैं a एंड b। तो मान लो ये a और b दो वेक्टर हैं, तो n cap जो होगा वो इस प्लेन के, हमारा जो पेपर है जहां हमने दोनों वेक्टर ड्रॉ किए हैं, उस पेपर के परपेंडिकुलर आएगा, उस पेपर के अंदर नहीं आएगा, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दीज टू वेक्टर्स। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर हमेशा दो डायरेक्शन होती है। जैसे अगर आपने अपना कॉपी हॉरिजॉन्टल रखा है और उसमें ये दोनों वेक्टर ड्रॉ कर रखे हैं, तो हमारा जो एन कैप आएगा वो या तो ऊपर आएगा और नीचे भी तो आ सकता है, एक प्लेन के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन होती है। जैसे ये वॉल है, इस वॉल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन आउटवर्ड भी हो सकती है और इनवर्ड भी हो सकती है, तो हमें उन दोनों में से एक डायरेक्शन को फाइनल करने के लिए राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दिस, बच्चों आपके पास कोई भी स्क्रू है, मान लीजिए पेन है, मेरे पास तो पेन भी नहीं है लगता, एक तो है, रुको, हाँ, अब जैसे ये पेन है मेरे पास, देखा बच्चों इस पेन में अगर हम ये जो स्क्रू है, ये स्क्रू होता है ना कैप, अगर कैप को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, आप अपनी तरफ से देखो, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज किसी कैप को घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा,
तो कैप बाहर आता है अंदर जाता है, खुलता है या बंद होता है? खुलता है। खुलता है सर। खुलता है। अगर मैं स्क्रू को ऐसे रखकर एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो बाहर आएगा, और अगर स्क्रू को मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो टर्न करूंगा तो वो अंदर जाएगा। दिस इज कॉल्ड राइट हैंड स्क्रू। व्हाई इट इज कॉल्ड राइट हैंड? बिकॉज वी आर ऑपरेटिंग दिस स्क्रू बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंड। यस सर। बच्चों एक्चुअली है ना, एक लेफ्ट हैंड स्क्रू भी आता है जो हम लोग कॉमनली यूज नहीं करते, इंडस्ट्रीज में काम आता है वो। तो जो कई बार क्या होता है, दोनों हाथों से ऑपरेट करना पड़ता है। अगर आप बताइए, आपको मैं बोलूं कि आप है ना एक साथ दो वॉल्व को बंद कीजिए, दो स्क्रू को टाइट कीजिए, तो आपका हाथ ऐसे चल सकता है? ऐसे ऑपरेशन होता है? ऐसे ऐसे जल्दी होता है बताओ? ऐसे ऐसे फास्ट हुआ काम, या सेम डायरेक्शन में टर्न करोगे तो फास्ट होगा? अलग 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 अलग। हमारे हमारी बॉडी का जो एक्शन होता है वो ऐसे होता है। तो जहां पर एक साथ दो स्क्रू को टाइट करना होता है, वहां पर एक स्क्रू को राइट हैंड बनाते हैं, दूसरे स्क्रू को लेफ्ट हैंड बनाते हैं, यानी कि वो ऐसे घुमाने पर अंदर जाता है। हमारा नॉर्मली नॉर्मल स्क्रू क्लॉकवाइज घुमाने पर अंदर जाता है ना, वो स्क्रू लेफ्ट हैंड से ऑपरेट होता है, और उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर वो टाइट होता है। उसमें जो थ्रेड्स होते हैं वो अपोजिट थ्रेड्स होते हैं अंदर। तो बच्चों वो लेफ्ट हैंड स्क्रू हम कॉमनली यूज नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं ह्यूमंस में मैक्सिमम परसेंटेज राइट हैंड वालों का है शायद, इसलिए आई डोंट नो, इससे ज्यादा लॉजिक मुझे नहीं आता, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो बच्चा अभी हम राइट हैंड स्क्रू की बात कर रहे हैं। राइट हैंड स्क्रू वो होता है जिसे क्लॉकवाइज टर्न करने पर अंदर जाता है और एंटी क्लॉकवाइज टर्न करने पर बाहर आता है। अब मैं राइट हैंड स्क्रू रूल की बात कर रहा हूं, वो सुनो बच्चों। ए क्रॉस बी में फर्स्ट वेक्टर कौन है? ए वेक्टर। करेक्ट। आप फर्स्ट वेक्टर को सेकंड वेक्टर की तरफ टर्न कीजिए, यानी कि ए को बी की तरफ टर्न कीजिए। तो बच्चों ये क्लॉकवाइज टर्न हुआ या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज टर्न करने पर स्क्रू कहाँ आएगा? बाहर। बाहर। यानी कि हमारे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो हमारे एन कैप की डायरेक्शन है वो आउटवार्ड हो गई। बस दिस इज कॉल्ड राइट हैंड स्क्रू रूल। समझ गए? According to this diagram, बच्चों diagram के according answer आया है। Diagram change कर दूंगा तो answer change हो जाएगा। अच्छा कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर हमें तो A vector को B vector की तरफ घुमाना था, तो आपने ऐसे क्यों नहीं घुमाया? ये भी तो अच्छा question है। तो बच्चों बता दूं, हमेशा दो angle होते हैं दो line के बीच, एक smaller और एक larger। तो आपको हमेशा स्मॉलर एंगल के थ्रू टर्न करना है, ये बड़े वाले एंगल के थ्रू टर्न नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल एक और डायग्राम बनाता हूं मैं, इसे मिटा देता हूं। जैसे सपोज कीजिए ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है। According to this diagram, A cross B का जो direction है वो inward आएगा या outward आएगा बताओ? Outward. Correct. क्योंकि हम A vector को B vector की तरफ turn करेंगे तो वो anti-clockwise turn होगा। देखो A को B की तरफ इधर से नहीं ले जाना क्योंकि वो larger angle है। तो अगर आपको ए वेक्टर को बी वेक्टर की तरफ टर्न करना है तो स्मॉलर एंगल के थ्रू टर्न कीजिए। नाउ इट इज एंटी क्लॉकवाइज। और जब हम किसी स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेंगे तो वो आउटवर्ड आएगा, इसलिए हमारे डायरेक्शन भी आउटवर्ड हो गई इस बार। अगेन पिछली बार भी आउटवर्ड थी, इस बार भी आउटवर्ड हो गई। सर एक डाउट है। मोस्ट वेलकम सर। अगर दोनों वेक्टर 180 डिग्री पे है तो?
तो बेटा ए बी साइन थीटा की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो डायरेक्शन निकालने का वैसे ही कोई फायदा नहीं है। साइन 180 जीरो हो जाएगा ना, तो मैग्नीट्यूड ही बेचारे का जीरो हो जाएगा। जब मैग्नीट्यूड ही जीरो हो गया, नाउ इट बिकम्स नल वेक्टर, और नल वेक्टर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, वहां पर डायरेक्शन निकालनी भी नहीं है। Okay. अब है ना, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको सिर्फ डायरेक्शन के लिए, बच्चों। वेक्टर ए जो है ये है ड्यू नॉर्थ। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। और वेक्टर बी जो है दैट इज वर्टिकली अपवर्ड। तो पहले तो बताओ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, और फिर मुझे बताइए एन कैप की डायरेक्शन क्या आएगी। दोनों ऋत्विक जी, एक तो आप शक्ल दिखाइए, आपके दर्शन नहीं हो रहे हमें। सर वो कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है। गोयल साहब लग तो नहीं रहा, ऐसा तो नहीं कहीं आज ज्यादा बाल खराब हो रहे हो इसलिए नहीं सर दिखाने लायक नहीं रहे हो आप, है ऐसा तो कुछ नहीं सर, सच्ची में हो रहा है। सच्ची में? चलो बताओ क्या बताना चाह रहे हो। सर ए क्रॉस बी तो जीरो आ जाएगा। ए क्रॉस बी जीरो आ जाएगा। हमने मछली फंसाने के लिए जाल फेंका था और ये पहली मछली हमारे जाल में फंस गई है। सर ए भी आएगा क्या बेटा? ये दोनों डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, नॉर्थ और वर्टिकली अपवर्ड पैरेलल नहीं होते। नॉर्थ डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होता है और बी वर्टिकल है। दीज आर टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, नॉट पैरेलल वेक्टर्स। सर कैसे नॉर्थ कहाँ होता है बताओ? आप किसी को नॉर्थ ऊपर होता है मतलब, एक मिनट बेटा, हम लोग कहाँ हैं? हम लोग है कोटा में, मतलब मैं कोटा में हूँ, और जम्मू कश्मीर कहाँ है? नॉर्थ में। तो अगर मुझे जम्मू कश्मीर जाना है तो मैं ऊपर जाऊंगा? नहीं सर। बेटा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, दीज फोर डायरेक्शंस आर हॉरिजॉन्टल। अरे बेटा वो है ना, हम टीचर लोगों की मजबूरी होती है, बोर्ड पर जब बनाते हैं ना नॉर्थ को ऊपर बनाते हैं, तो बच्चा भी बेचारा नॉर्थ को ऊपर समझने लग जाता है। तो भैया कश्मीर को धरती का स्वर्ग बोलते हैं, इसका मतलब आप स्वर्गवासी मत बनाओ और ऊपर मत पहुंचाओ हमें। तो बच्चा नॉर्थ सामने होता है, हाँ ऐसा बोलते हैं ना। देखो ईस्ट का है टुवार्ड्स लेफ्ट, वेस्ट होता है टुवार्ड्स राइट, सॉरी उल्टा बोल गया, ईस्ट होता है टुवार्ड्स राइट, वेस्ट होता है टुवार्ड्स लेफ्ट, नॉर्थ का होता है ऐसे सामने। और तो दीज फोर डायरेक्शंस आर हॉरिजॉन्टल, इनमें से वर्टिकल कोई भी नहीं है। और ये क्वेश्चन देने का पर्पज मेरा यही था, यानी कि मेरा एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया, आगे तो फॉर्मेलिटी करनी है बस। आप समझ गए इस क्वेश्चन को देने का टारगेट क्या था? नॉर्थ और वर्टिकल अपवर्ड में डिफरेंस बताना था, ये मेरा टारगेट था। मेरा टारगेट ए क्रॉस बी निकालना नहीं था, वो तो आप निकाल ही दोगे। अब बताओ एन कैप की डायरेक्शन। सर ड्यू ईस्ट। अब देखो आपको ए वेक्टर लेना है इधर नॉर्थ, और बी लेना है ऊपर, और फिर ए को बी की तरफ टर्न करना है, और फिर देखना है। हाँ सर आउटवर्ड होगी बेटा इस क्वेश्चन में, आउटवर्ड आप बता ही नहीं सकते क्योंकि मेरा कन्वेंशन अलग होगा, आपका कन्वेंशन अलग होगा, किसी थर्ड स्टूडेंट का कन्वेंशन अलग होगा। इनवर्ड आउटवर्ड तो तब बताते हैं जब हम दोनों वेक्टर पेपर में ड्रॉ करते हैं, यहाँ तो पेपर में ड्रॉ ही नहीं कर सकता ना मैं इन दोनों वेक्टर्स को। सर ड्यू ईस्ट आएगा सर। हाँ ऋषित मैं एक बार अभी yes, लिया था पर मैंने रेस्पॉन्ड नहीं किया, एक बार बच्चों का और आंसर आ जाए फिर बताता। सर मैंने वो राइट हैंड थंब रूल वाले से चेक कर ली डायरेक्शन। वो राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल बोथ आर सेम। थंब रूल में राइट हैंड स्क्रू रूल में तो बस आउटवर्ड इनवर्ड ही पता लगा। क्यों पता है? तो ए कैप को नॉर्थ में और बी ए वेक्टर को नॉर्थ में और बी वेक्टर को ऊपर बनाना इधर। ये देखो सुनो, मैं है ना ये वाली वॉल खराब कर लूं
इस वाली वॉल पर पेन चला दूं मैं, ये यहाँ पर एक है ना, अरे हाँ मेरे पास एक व्हाइट बोर्ड है छोटा वाला, वो यहाँ लगा लेता हूँ, है ना। तो देखो आपका एक बोर्ड भी बन जाएगा, यहाँ कुछ लोग दिख जाएंगे, इसलिए इसको नीचे भी कर दूं। हाँ क्या करें, दूसरे टीचर हमारी क्लास सुन रहे हैं, फिर वो हमारी क्लास को कॉपी करेंगे, ये गलत बात है। तो बच्चा ऐसे करो, देखो इसमें इनवर्ड आउटवर्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि आप उसे इनवर्ड आउटवर्ड समझ रहे हो। अब आप देखना मेरे यहां पर, ये अगर ईस्ट है, ये ईस्ट है, नॉर्थ कहां होगा, इनवर्ड होगा। यस यस, तो इस वॉल के अकॉर्डिंग नॉर्थ इनवर्ड हो गया और बी ऊपर है वर्टिकली अपवर्ड, तो अंदर वाले वेक्टर को, अंदर वाले वेक्टर को ऊपर वाले वेक्टर की तरफ टर्न करोगे ऐसे, तो स्क्रू इधर ओपन होगा, ईस्ट साइड। करेक्ट रिशित, योर आंसर इज करेक्ट, ईस्ट साइड। अब मैं फिर बोलोगे मेरा बीच में अटक गया पूरा जूम, फिर से बताता हूँ एक बार, रुको। आप है ना एक पूरा है ना, मतलब मुझे तो, मैं तो ये कहता हूँ वॉल भी मत देखिए, आप इमेजिन कीजिए आपका वेक्टर ए कहाँ है, आप अपने अकॉर्डिंग काम कीजिए। आपका वेक्टर है ड्यू नॉर्थ यानी कि सामने, और बी कहाँ है, ऊपर। अब इस सामने वाले वेक्टर को ऊपर वाले वेक्टर की तरफ घुमाओ ऐसे, दिस, और बताओ स्क्रू किधर जाएगा, टुवार्ड्स राइट जाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. और राइट में क्या होता है, East. इसलिए आंसर ईस्ट आएगा। Yes, sir. यार ये आइडिया तो बहुत अच्छा लगा। सर पर स्क्रू राइट में क्यों गया, ये नहीं समझ रहा। क्यों, तू सामने वाले वेक्टर को ऊपर वाले वेक्टर की तरफ टर्न कर। ये देख इधर देख, दो पेन है मेरे पास, मैं ऐसे बैठा हूं ना, ऐसे बैठा हूं, ये मेरा सामने वाला वेक्टर है, ये नॉर्थ हो गया, तो ये ए वेक्टर हो गया, और ये दूसरा पेन है ब्लैक पेन, ये बी वेक्टर है। अगर मैं ए वेक्टर को बी वेक्टर की तरफ, व्हाइट पेन को ब्लैक पेन की तरफ टर्न करूंगा ऐसे, तो स्क्रू ऐसे टर्न होगा, तो किधर मूव करेगा, इस साइड मूव करेगा ना, और ये वाला क्या है, ईस्ट है। मेरे अकॉर्डिंग देखिए, फिर आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए, ऐसे दो पेन लीजिए। अच्छा सुनो, ये ऋत्विक गोयल ने जो बात बोली थी शुरू में राइट हैंड थंब रूल, वो भी बता देता हूं, सेम चीज है, सुन लो बच्चों। ऐसे करो, आप अपने हथेली को, इंग्लिश में बोलते हैं पाम, तो आप अपने राइट पाम को ऐसे फ्लैट कीजिए और इसे फर्स्ट वेक्टर की तरफ इंडिकेट कर दीजिए, फिर अपनी फिंगर्स को सेकंड वेक्टर की तरफ टर्न कीजिए और देखिए थंब कहां जा रहा है। तो जो डायरेक्शन में थंब जा रहा है, ओ कुछ बच्चों को बोल रहा हूं वो ढंग से सुन लो, क्योंकि ट्वेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, खतरनाक मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर तो हम पढ़ ही नहीं सकते। ये दोनों ऋत्विक का आज क्या कुंडली खराब है क्या, दोनों बंद करके बैठे हैं अपना अपना। सर मैं वो फोन से ले रहा हूं अभी क्लास में, वो डिस्कनेक्ट हो गया लैपटॉप से। अच्छा ऋत्विक तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वो अमित सर का फोन आया था मेरे पास कि वो टाइम को एडजस्ट कर दिया उन्होंने, कर दिया टाइम। हां तो अब तू आराम से क्लास ले। तो बच्चा मैं छोड़ो पेन को, अपने पाम को पहले वेक्टर की तरफ फैला दो, तो हमारा फर्स्ट वेक्टर कहां है, नॉर्थ, और दूसरा ऊपर है। अब इसे ऊपर की तरफ टर्न करो और थंब देखो कहां जा रहा है आपका। अरे करो अपने हाथों से, बैठे राइट 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 क्या होता है, ईस्ट होता है, ईस्ट। तो हमारा ए क्रॉस भी आएगा ईस्ट, समझे कंदू? यस सर समझ गए। यस सर आ गए, दोनों समझ में आ गए। यार तेरे बहुत काम आने वाला है बेटा मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में ये। सर मेरे को इससे तो समझ आ गया, पर स्क्रू वाले से लाइक थोड़ा थोड़ा। तू अपने स्क्रू को अंदर बंद कर दे बॉक्स में, छोड़, तू अपने हाथ को काम में ले,
एक ही बात है, जिससे समझ में आ जाए वो यूज करो, अपन को दूसरे से क्या मतलब। थंब रूल से भी कर सकते हैं मतलब क्वेश्चंस। हाँ, अरे थंब रूल और स्क्रू रूल एक ही बात है बेटा। स्क्रू रूल है ना, लिखने में काम आएगा, क्वेश्चन आप थंब रूल से कर लो, क्योंकि ना थंब रूल यूनिवर्सल नहीं है, आप इसको बुक में नहीं लिख सकते। बुक मतलब क्या बोल, एग्जाम में आप सब्जेक्टिव एग्जाम में थंब रूल लिख नहीं सकते, क्योंकि टीचर उसको मानते नहीं है, वो हम लोगों ने बनाया हुआ है कोचिंग वालों ने। ऐसे आगे बहुत सारे रूल हम खुद बना लेते हैं, क्योंकि वो सिमिलर होते हैं तो अपना कन्वेंशन बना लेते हैं हम। तो बच्चों मैंने दो क्वेश्चन पूछे थे, एक तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो निकल ही गया। अगर ए वेक्टर ड्यू नॉर्थ है और बी वेक्टर वर्टिकल अपवर्ड है तो एंगल 90 आएगा, तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए इंटू बी हो जाएगा बेटा, ओनली साइन 91 होता है, ये ए इंटू बी हो जाएगा। और हमारा जो एन कैप आएगा वो थंब रूल से ड्यू ईस्ट आ गया, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। अब आपको एक्सप्लेन तो मैंने कर ही दिया, तो आपको चेक करने के लिए मैं और दूं क्वेश्चन। यस सर। बच्चों यहाँ पर बोर्ड पर मैं आपको ए और बी बनाकर दूंगा, उसमें थोड़ी ना मजा आता है, मजा तो 3D में आता है, जब हम ऐसे ग्लोबली सोचते हैं तो बहुत मजा आता है। बच्चा 12th क्लास का क्वेश्चन है ये, आपको ये भी पता लग जाएगा 12th में, अगर हम ये सब चीजें अच्छे से सीख लें तो 12th बहुत इजी होने वाला है, वरना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। बच्चों डेफिनेटली आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जब किसी करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, नहीं जब एक छोड़ो जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, उसका फार्मूला ये होता है। आप है ना बाकी चीजों को भूल जाओ, आप तो बस फार्मूला देखो वी क्रॉस बी। अब मेरा क्वेश्चन ये है, दिस इज अ फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड, 12th क्लास का क्वेश्चन है ये, वेक्टर का एप्लीकेशन है इसलिए हम यहां पर इसे सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ये अभी का तो अभी क्लास में आई है ना। रात को है ना बेटा, जल्दी सो जाया करो तो जल्दी नींद खुल जाएगी, समझ गए। रात को है ना ज्यादा देर तक चैटिंग नहीं करते। प्रॉब्लम नहीं है, आपको नहीं बोल रहा मैं, सबको बोल रहा हूँ, ये आजकल यूनिवर्सल प्रॉब्लम हो गई है, जब से हमारे हाथ में तगड़े वाले मोबाइल और ये डेस्कटॉप आ गए ना, तो ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है। आप तो क्या है बेचारे आज पकड़ में आ गए, अब ये ऋत्विक साहब का भी अचानक से सही हो गया, कुछ सही वही कुछ नहीं हुआ, सही पहले से था, हमारा कैमरा हमारे बने हुए सर, हमारा चेहरा नहीं धुला हुआ था इसलिए ये चेहरा धोकर बैठा है सर। इतनी देर से थोड़ी मैं चेहरा धोऊंगा, 2 मिनट लगती है। ज्यादा गंदा हो रहा होगा ना, तो ज्यादा गंदा हो रहा होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। इतना नहीं होता सर कि 10 मिनट लग जाए। बेटा कैमरा तो सबका सही है, वो भी बीच बीच में उंगली कर रहा है दूसरा वाला ऋत्विक, देखो ये देख, तू ऑन रख ले, ऑफ मत कर, तुम दिखते रहते हो ना तो मुझे ज्यादा अच्छे लगते हो। तो बच्चों हमारा एक फार्मूला आपको दे दिया कि फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तुम दुनियादारी को छोड़ो, बस डायरेक्शन पर ध्यान दो, मैं आपसे वैल्यू नहीं पूछने वाला। मेरा क्वेश्चन है, एक पॉजिटिव चार्ज है, इट इज मूविंग ड्यू ईस्ट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू नॉर्थ, तो जस्ट टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ओनली डायरेक्शन, मुझे मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। वेलोसिटी ईस्ट में है और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ में है तो फोर्स बताइए, यानी कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। Vertically upward. बाकी बच्चों को बोलने दो, फिर मैं आपको बताऊंगा आपका सही है या गलत। सर वर्टिकली अपवर्ड, मैंने सुन लिया, और बच्चों को भी बोलने दो।
सर आपको? वेल तो पर्सनल डिवाइस लेना आप मम्मी पापा को बोलकर, हैं? क्या कब तक काम में लेता रहेगा किराए की चीज? ऋत्विक, गोयल, भाग्य, कब तक मम्मी पापा का डिवाइस काम में लोगे? पर्सनल डिवाइस लो, नया लैपटॉप लो। बोला था तो थोड़ी देर बाद लेके। हाँ, मेरी बात घर वाले कहेंगे ट्यूशन छुड़वा दो भैया, ये तो घर में नुकसान करवा रहे। नहीं सर, सोच रहे थे तब शायद तक लेंगे। ऐसे मैं चाहता हूँ हर बच्चे के पास, बट आप क्या है ना, एक्चुअली पहले तो ऐसा लग रहा था ना कि थोड़े बहुत दिनों की बात है, पर अब लग रहा है कि यार ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ हो गया। ऐसा लग रहा है कि मतलब अगर आप ऑफलाइन सब कुछ ठीक चल भी गया ना, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको ऑनलाइन जुड़े रहना पड़ेगा। अब इस तरह का वो बन चुका है माहौल। हाँ सर, लाइक आपकी जो क्लास होगी वो तो अगर ऑफलाइन हो भी गया तो भी आप ऑनलाइन ही होंगे। हाँ, तो मेरे पास तो आएगा नहीं है। देखो मैं बताता हूँ कौन सा बच्चा कहाँ से जुड़ा हुआ है। अब देखो हम लोग ऑनलाइन में कितने दूर दूर से जुड़े हैं। ऋषित कहाँ पर है, रायपुर? सर नहीं सर, कर्नाटका सर, हुबली। तो कर्नाटका में है, सॉरी सॉरी। हाँ वत्सल दिल्ली कहाँ पर है बेटा? वत्सल सर झारखंड, धनबाद। झारखंड में कहाँ पर? धनबाद। धनबाद, ओके। देखो ये आईएसएम धनबाद हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं उसमें। अब आईआईटी बन गया ना वो तो? यस सर। हाँ अब आईआईटी बन गया धनबाद। मेधा वैसे अभी तो जयपुर है, बाद में ये चली जाएगी, तो ये क्लास फिर आप आपका टाइमिंग में थोड़ा डिस्कशन करेंगे बाद में, है? यस सर, 4 बजेंगे वहां के। हाँ तो मेधा इंडिया में नहीं रहती तो 4 बजेंगे, उठ जाना, क्या फर्क पड़ रहा है 4 बजे। यस सर, मैं तो 5 बजे मतलब कि स्कूल की क्लासेस होती थी ना सीआईआरएस की, तो वहां पे 5-5 बजे उठना पड़ता था तो। चलो श्रेया इस समय कहाँ पर हो बेटा? ये देखो ये बोली है, इसको सुनाई, हमको कुछ नहीं सुना, बस तूने बोल दिया फॉर्मेलिटी, फिर तेरा माइक खराब है लगता है। दिल्ली सर। हाँ अब सुना, इसका मतलब पहले बोल ही नहीं रही थी, तो अभी ये दिल्ली में है, है ना। ऋत्विक साहब आप कहाँ पर हैं? बोल जी। गुड़गांव। गुड़गांव, गुरुग्राम बन गया अब है। हाँ वशिष्ठ दिल्ली में है, ये है ना? यस सर, अभी तो अलवर में हूँ, होम टाउन वैसे। तो अलवर पहुंच गया क्या, कब से? अच्छा अभी गया होगा, इसी वीक आया है ना। कहाँ रहता है अलवर में, कहाँ पर है घर? कालकुआ। हाँ ओके। दिव्यंका बहुत दूर बैठी है ना, ये दोनों कोटा में है, दिव्यंका और अभिका दोनों कोटा में है और मैं भी कोटा में हूँ। तो देखो बेटा हम लोग है ना कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं, नेशनल इंटरनेशनल, तो ये सब पॉसिबल हुआ ऑनलाइन की वजह से। और मुझे याद है बच्चे 2 या 3 साल पहले मेरा एक प्रोजेक्ट था, उसमें मुझे है ना बाई चांस मजबूरी में ऑनलाइन क्लासेस का अरेंजमेंट करना पड़ा, क्योंकि मैं ऑफलाइन जा नहीं पा रहा था वहां। तो उस समय ये जूम वगैरह या तो थे नहीं या हम लोगों को पता नहीं थे, जूम तो होगा पर इंडिया में कोई जानता ही नहीं था। इंडिया में तो लॉकडाउन में जूम को जानने लगे, जूम और जूम लाइक प्लेटफॉर्म। और कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जो जूम की तरह काम करते हैं बताइए? माइक्रोसॉफ्ट और जियो मीट भी है, लेकिन जियो मीट इतना सक्सेस नहीं हो पाया। वेबएक्स माइक्रोसॉफ्ट टीम। हाँ गूगल मीट बताई दिया मैंने। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो बहुत पहले से थे, इंडिया में नहीं थे। इंडिया में सिर्फ कॉर्पोरेट्स काम में लेते थे इनको, केवल ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए, एजुकेशन में बिल्कुल फेमस नहीं था। तो मुझे वो मेरा जो प्रोजेक्ट था वहाँ ऑनलाइन क्लास लेनी थी, तो मुझे कोई फैसिलिटी नहीं मिली उस समय। मतलब कुछ प्राइवेट कंपनीज होती थी इंडिया में, वो ये फैसिलिटी देती थी, तो उनके बहुत तामझाम थे, ये लगाओ वो लगाओ। अब तो कुछ भी मत लगाओ, मोबाइल लेकर चल दो और क्लास ले लो। तो बच्चों बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं, अभी फैसिलिटीज बहुत हो गई है। तो हम लोग अब आगे भी इस तरह से, अब आप देखो आपको इतना फील नहीं हो रहा होगा कम्युनिकेशन, मतलब हम लोगों के मेरे बोलने में और आपके सुनने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी गैप नहीं है, इतना अच्छा इसका वो है जूम का।
मतलब जितने लोगों से मेरी बात होती है वो ये कहते हैं कि उन लोगों ने काफी गूगल मीट वगैरह सब यूज किया बट जूम इज बेस्ट, इसलिए हम लोग इसी पर पढ़ रहे हैं। तो बच्चों अब तो ये अपने लाइफ का पार्ट ही है ये मान लो। तो आप लाइक टीम्स भी बहुत अच्छा है उसमें, लाइक हर चीज ऑर्गेनाइज होती है उसमें, अपना बच्चा काम सबमिट भी कर सकता है। लेकिन टीचर्स आल्सो, लेकिन वो इसलिए हमें फेमस इसलिए नहीं हुआ ज्यादा, मतलब फेमस से मतलब इतनी इसलिए यूज नहीं होता क्योंकि वो मुफ्त का नहीं है। जूम जूम अपने इंडिया में क्यों ज्यादा चला है क्योंकि है ना जूम मुफ्त का है, 40 मिनट मुफ्त का। लाइक हाँ लाइक उसमें लॉग इन करने के लिए तो स्कूल को भी पैसे उसका है ना अकाउंट के बाद, शायद मुझे लग रहा है कि आप फ्री यूज नहीं कर सकते उसे, यू हैव टू पे फॉर दैट। सर हम तो नहीं देते, स्कूल वाले देते होंगे। हाँ तो स्कूल वाले, अच्छा हाँ तुम नहीं देते, स्कूल वालों ने तुम्हें दे रखा है, उन लोगों ने पैकेज लिया हुआ होगा तो इसलिए वो ज्यादा फेमस है। ऑल्दो माइक्रोसॉफ्ट टीम इज गुड। सर आप थोड़ा सा ऊपर कर दोगे, वो मैंने स्क्रू रूल नोट नहीं किया था, इसमें कुछ नोट करने वाला था भी नहीं, डायग्राम बनाए थे मैंने। अच्छा एक मिनट चलो बना। तो बच्चों आंसर बता रहे थे, दो लोगों ने आंसर बताया था वर्टिकली अपवर्ड, दिव्यंका ने और नहीं ऋत्विक ने और ऋषित ने, बाकी लोग अब बता दो, मैं बात करने लग गया बीच में। अरे आप बता, मेरा आ नहीं रहा सर। ऐसे तो कैसे हो सकता, नहीं आ रहा सर, अपवर्ड आ रहा। यूं बोलना गलत आ रहा है तो गलत बता, पर बता तो सही। सर मेरा भी नहीं आ रहा, गलत आ रहा। अरे सुनो ना, हमारा ए मतलब वेलोसिटी, पहली बात आपको वी क्रॉस बी निकालना है, तो फर्स्ट वेक्टर वेलोसिटी है, सेकंड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड है। वेलोसिटी ईस्ट में है तो अपने राइट हैंड पाम को ऐसे ईस्ट में ले जाओ और बी ऊपर है, आप इस पाम को ऐसे टर्न कर दो, ईस्ट को नॉर्थ की तरफ टर्न कर दो और अब देखो आपका थंब कहाँ जा रहा है। अरे हाथ उठाओ ना, पीछे की तरफ। पीछे क्या होता है, साउथ। साउथ तो हमारा आंसर साउथ आएगा। गोयल साहब गलत हो गया। ऋषित सर यही आ रहा था मेरा। सर एक बार सर ये देखो सर, लाइक मैंने ईस्ट ऐसे लिया इस तरफ अब और फिर नॉर्थ यहाँ पे होगा तो अरे अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ऊपर जाएगा ना, मैंने गलती कर दी, पता नहीं मेरे दिमाग में नॉर्थ, फिर तुम लोगों ने जो नॉर्थ हाँ लिया, सर आपने ऊपर ले लिया वैसे। ओके गोयल इज करेक्ट, गोयल इज करेक्ट, आपको अपने पाम को ईस्ट में रखना है और फिर नॉर्थ की तरफ टर्न करना है। तो बच्चों ये हॉरिजॉन्टल टर्न होगा ऐसे, तब आपका थंब जो है वो ऊपर आएगा। ऋषित एंड ऋत्विक बोथ आर करेक्ट, मैं गलत था बच्चा। तो आंसर इज वर्टिकली अपवर्ड, आंसर इज वर्टिकली अपवर्ड। आराम से धीरे धीरे चलो और बच्चों अपने आप करके देखो, अपने हाथ को करके देखो प्लीज, अपना हाथ उठाओ। उठा लिया, अब देखो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी सामने रखने में, ऐसे रखो बाजू में। अब अपने पाम को ईस्ट में ले जाओ, ईस्ट कहाँ होता है, टुवर्ड्स राइट। तो अपने पाम को ईस्ट में ले जाओ और नॉर्थ कहाँ होता है, सामने, और इसे सामने की तरफ टर्न करो ऐसे ऐसे, तो थंब कहाँ आएगा, ऊपर। आंसर इज वर्टिकली अपवर्ड। अगर ये समझ में आ गया तो ये मान लो 12th क्लास का एक बहुत बड़ा चैप्टर आपने कर लिया, यही है पूरे चैप्टर में डायरेक्शन। चलो आप ये डायरेक्शन हमने सीखा, अब आगे और यूज करेंगे, अभी तो हम बढ़ जाते हैं आगे। आज मैं सोच रहा हूँ इस चैप्टर को फिनिश कर ले फिर। अच्छा सुनो सर असाइनमेंट, हाँ मैं भी यही बोलने वाला था, तो हम चैप्टर को फिनिश नहीं करते, हम असाइनमेंट डिस्कस करते हैं। तो वेक्टर का फर्स्ट वाला, ओ ओरिजिनल वाला वन, गलती वाला वन नहीं, एक्चुअल वाला वन ओपन करो। चलो सर ओरिजिनल वाला गलती वाला वन सर। अरे वो एक जगह क्या था, मैंने फाइल नेम वेक्टर वन लिख दिया, अंदर वेक्टर टू था असाइनमेंट। हाँ, हाँ। तो वो नहीं करना, हमें असली वाला वन करना है जो अंदर भी वन है बाहर भी वन है। अच्छा खोलो, खोल लिया
सर मैं एक मिनट दूसरा फोन लेके आता हूँ। हाँ ले आओ। और इस बार आंसर उसमें साथ थे ना बच्चा, तो आपको आंसर हाँ। भी पता लग गए। हाँ एक असाइनमेंट वेक्टर का और भेजूंगा, उसमें ज्यादा क्वेश्चन होंगे लेकिन उसमें आसान होंगे। बच्चों ये जो T20 है ना मेरे, ये थोड़े से टफ होते हैं, ये थोड़ा टफ होते हैं। और एक और असाइनमेंट भेजूंगा, वो कंपैरेटिवली आसान होगा और है ना उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होंगे, 50-60 क्वेश्चन होंगे। मैं भेजूंगा संडे को, कल परेड का तब बना दूंगा और फिर मंडे को भेज दूंगा। सर वो मंडे को पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा? नहीं मैं बता दूंगा अभी, लेकिन है ना पहले वो कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, उससे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर ये T20 करेंगे तो ठीक रहेगा। गोयल आ गया क्या? यस सर, मैंने ये क्वेश्चन किए थे पर मैंने चेक ही नहीं किया कि इसमें आंसर भी है। नीचे थर्ड पेज पर आंसर दिए हैं, चेक कर लेना। अब है ना मैं नंबर बोल रहा हूँ, आप हाँ आप वही बताना जो डाउट हो, बाकी कोई स्किप कर दो। क्वेश्चन नंबर 1? नहीं सर। नो सर। ओके सर, ये फोर्थ ऑप्शन में मीटर गायब हो गया, वो मीटर लगा लेना है ना, 40 मीटर है वो। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 2? यस सर, उसका आंसर नहीं आ रहा, दिमाग लगा लिया। सर वो सॉल्व नहीं हो रही थी सर, इक्वेशन तो बन गई थी पर वो उसमें से साइन थी लाइक थीटा की वैल्यू नहीं निकल रही। सर मेरी भी सेम चीज हो रही है। यस सर वो इक्वेशन बन गई बट उससे कुछ निकल नहीं रहा था। P अपॉन Q 1/2 दिया है, रिजल्टेंट वेक्टर P से इतना एंगल बना रहा है, दिस इज अल्फा, तो tan अल्फा √3/2 गिवन है, इनवर्स है ना, तो इनवर्स को वापस इधर ले आया और कैलकुलेट थीटा करना है, एंगल बिटवीन P एंड Q यानी कि थीटा निकालना है, अल्फा गिवन है और P बाई Q गिवन है। बेटा P बाई Q अगर हाफ है यानी कि Q इज इक्वल टू 2P है, tan अल्फा का फॉर्मूला याद कीजिए, Q साइन थीटा अपॉन P प्लस cos थीटा। हाँ इसमें है ना आप ट्रिग्नोमेट्री में फंसोगे मुझे पता है। बच्चों Q को 2P लिख देता हूं मैं है ना, और नीचे भी 2P लिख देता हूं तो P कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आएगा 2 साइन थीटा, नीचे आएगा 1+2 cos थीटा। यस सर यहाँ तक तो हो गया था, अब इसके आगे सॉल्व नहीं हुआ। इसके आगे इसलिए सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि एक मैथमेटिकल टूल नाम का जो चैप्टर हमने पढ़ाया था आप उसे भूल गए। इसे हाफ एंगल में ब्रेक कर दो, थीटा बाई 2 वाले में, तो साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो 1+2 cos थीटा होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। मैंने ये सही लिखा है गलत लिखा है? बच्चों cos थीटा होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 -1। नहीं अभी मैंने सही नहीं लिखा, रुक जाना, अभी ये सही नहीं है, रुको। Q is equal to 2P मैंने सही पुट किया है, हाँ। So like मैंने फिर ऐसा किया था कि like मैंने मम्मी से पूछा था, उन्होंने कहा कि like इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग करते हैं तो एक में लाइक वो बन जाती है क्वाड्रेटिक साइन थीटा में, तो पर सर उसके रूट्स जो है वो इमेजिनरी आ रहे थे इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया इसको। तो मैंने इसको दूसरे मेथड से किया, मैंने पहले डायग्राम बनाया और रिजल्टेंट का क्यू से एंगल निकाल के मैं उसको टैन इनवर्स √3/2 में प्लस कर रही थी, तो मैं वहां पे सेम जगह फंस रही थी। अल्फा
एक्यूट आएगा क्योंकि 10 पॉजिटिव है। वो मेरा Q से रिजल्टेंट का एंगल आ रहा था tan इनवर्स हाफ। नहीं बेटा उसको निकालने से फिर कोई फायदा नहीं है, उससे फायदा नहीं है, यहाँ पर करना तो फार्मूले से ही है, बेटर बेटर वही रहेगा, लेकिन इसमें शायद मैथमेटिक्स थोड़ी ज्यादा हो गई है इसलिए आप फंस गए हो। हाफ एंगल में ब्रेक करना तो मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो ये स्टेप तो मुझे कैंसिल करना पड़ेगा जो मैंने अभी लास्ट में लिखा है, क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा होता है बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस 2 कॉस थीटा नहीं होता, ये मैंने थोड़ा गलत लिखा है इसलिए हम लोग फंस गए। अब मुझे ऋत्विक जो कह रहा है उस पर प्रोसीड करना पड़ेगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा। बच्चों एक वैसे बीच में बोल रहा हूं, इतनी मैथमेटिक्स लगाने से अच्छा है हम एक और काम कर सकते हैं, अगर हम है ना ऑप्शंस को पुट करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। वी शुड डू दैट, एग्जाम में जरूरी नहीं हम सेम मेथड प्रोसीड करें। हाँ ऋषित बोलो क्या कह रहे हो सर, 1 प्लस 2 cos थीटा का क्या फार्मूला होगा? नहीं बेटा 1 प्लस 2 cos थीटा नहीं होता, 1 प्लस cos थीटा होता है, 1 प्लस cos थीटा तो वो होता है ना हाफ एंगल वाला, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। पहला ऑप्शन छोड़ दो उसमें इनवर्स फंक्शन है, सेकेंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को सेटिस्फाइड करवाओ, तो अगर मैं थीटा को 45 लेता हूँ, बच्चों अगर हमें थीटा पुट करना ही है तो फिर हम इसमें क्यों पुट करेंगे, हम यही पुट कर लेते हैं ना, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं रूट थ्री बाई टू आ रहा है या नहीं आ रहा, ये वाली वैल्यू रूट थ्री बाई टू निकाल कर देख लो। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन हमारा है सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन में थीटा 45 रखना है, तो राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूं, 2 साइन 45, साइन 45 होता है बेटा 1 बाई रूट 2, 1 प्लस 2 कॉस 45 1 बाई रूट 2, तो 2 इंटू 1 बाई रूट 2, रूट 2 तो ऊपर बचा और 1 प्लस रूट 2 नीचे बचा, ये रूट 3 बाई 2 नहीं आया, सी ऑप्शन 30 डिग्री पुट करेंगे, 2 साइन 30 हाफ होता है, 1 प्लस 2 कॉस 30 रूट 3 बाई 2 होता है, 1 अपॉन 1 प्लस रूट 3 बचा, ये भी रूट 3 बाई 2 नहीं आया, 60 sin 60 रूट 3 बाई 2, 1 प्लस 2 कॉस 60 हाफ, तो बच्चे ऊपर रूट 3 आ गया नीचे 1 प्लस 1 2 आ गया, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। बच्चों मैं सीधा वाला प्रोसीजर बता दूंगा, डेट इज टू लेंदी, उसमें थोड़ी मैथमेटिक्स ज्यादा हो गई इस क्वेश्चन में, लेकिन आपको एग्जाम में ये अप्रोच भी फॉलो करनी चाहिए, बहुत काम आती है कि नेगेटिव अप्रोच बोलते हैं, ऑप्शंस को मैच करके देख लो, वो जल्दी हो जाता है सीधा करने के कंपैरिजन में, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। यस सर यही आंसर दिया हुआ है। हाँ अगर आप स्ट्रिक्टली चाहते हैं कि मैं वही वाला मेथड यूज करूं तो बताइए, मैं दिखाऊं, उसमें क्वाड्रेटिक बनेगा, पहले स्क्वायर करेंगे या कॉस थीटा को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो वो काफी लेंदी हो जाएगा, पर फिर जो क्वाड्रेटिक बनेगी ना सर उसके फिर रूट जो आएंगे वो इमेजिनरी आएंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। देख ऋत्विक अगर हमने थीटा 60 पुट करके इसको सेटिस्फाइड करा दिया इसका मतलब आंसर तो पक्का 60 आएगा, तो एक रूट तो उसमें
रियल आएगा, पक्का है। करूं मैं, कर रहा हूं स्पीड से, आप थोड़ा सा ध्यान देना। रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री कॉस थीटा इज इक्वल टू फोर साइन थीटा, इतना इजी नहीं है। बोथ साइड स्क्वायर कर दो, थ्री प्लस ट्वेल्व कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इतना आएगा ट्वेल्व कॉस थीटा, सिक्सटीन साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा देखते रहना, आप तुम बस ये देख लो मैंने कोई गलती तो नहीं की। साइन स्क्वायर थीटा को वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ट्वेल्व कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस सिक्सटीन यानी कि ट्वेंटी एट कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस ट्वेल्व कॉस थीटा माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो। 28 cos square theta plus 12 cos theta minus 13 is equal to 0. कितना गंदा हो रहा है। हाँ सर मेरा भी यही है। हाँ इसमें क्या करते हैं, cos square theta को एक बार x square मान लो, sorry x मान लो cos theta को, और इस quadratic से x की value निकालो, तो आएगा minus b plus minus under root b square। b square क्या होगा बेटा, अरे ये method बहुत lengthy है, मैं पहले ही बोल चुका। 144 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4a और c माइनस 13 है डिवाइडेड बाय 2a 56, तो माइनस 12 प्लस माइनस अंदर आएगा बेटा 28 4 इनटू 4। मैंने एक गलती कर दी कैलकुलेटर, माइनस नहीं दिया तेरा, इसलिए है ना मुझे पता है यहाँ पर एक माइनस तुम भूल गए, और इस माइनस के भूलने से आपका ये वैल्यू नेगेटिव आ रहा था, इसलिए आप पढ़े, मुझे पता है गलती ऋत्विक यही की ना, इसको प्लस 13 लिखाना। हाँ सर मतलब ये सोच लिया था कि ये तो नेगेटिव आएगा, सोच लिया लिखा नहीं। हाँ तो बच्चों बहुत लेकिन अब यार इतना आगे पहुंचे हैं ना तो पूरा कर ही देते हैं इसको, छोड़ने का फायदा नहीं है। इतना आगे आ गए तो अब अधूरा क्यों छोड़े बेटा। स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म क्या आ रही है सर, इसका आंसर मतलब अंदर में 40 आएगा सर, पूरा टोटली 40 यानी कि 1600 आ रहा है ना। हाँ सर, तो ये आ गया माइनस 12 प्लस माइनस 40 डिवाइडेड बाय 56। अब बच्चों इसकी दो वैल्यू आएंगी, एक बार प्लस साइन ले लो, 40 माइनस 12 28, 28 बाय 56 1 बाय 2 आएगा, दूसरा माइनस ले लो माइनस आएगा 52 बाय 56, सही बोल रहा हूँ? Yes sir. Yes sir. 52 by 56 कैंसिल होता है क्या? हाँ सर। 14. माइनस 13 by 14. तो बच्चों ये x क्या था? cos theta था। यानी कि cos theta की दो वैल्यू आ गई। अब cos theta अगर हाफ लेते हैं तो theta 60 आता है, और cos theta माइनस लेते हैं तो theta obtuse आता है। obtuse एंगल हो नहीं सकता, because हमें पता रिजल्टेंट जो है, नहीं ऑप्टूस हो भी सकता है, क्वेश्चन में ऐसा कोई हिंट है कि ऑप्टूस नहीं हो सकता? नहीं, अल्फा के एक्यूट आने का मतलब ये नहीं, ऑप्टूस एंगल होने पर थीटा तो भी तो रिजल्टेंट पी के क्लोज आ सकता है, वो हिंट नहीं। इसका मतलब दो आंसर पॉसिबल हैं सर, पर ऑप्शन में एक ही दे रखा है, ऑप्शन में एक ही है। तो थीटा का दूसरा आंसर आएगा कॉस इनवर्स माइनस 13/14, वी हैव टू लीव इट, तो इसे छोड़ दो, इसे ले लो। यह तो बच्चा इट इज मैथमेटिक्स, क्या लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो गया। वही सर, इसलिए मम्मी भी लाइक कह रही थी कि ऐसा हो नहीं सकता है, फिर तुम सर से पूछ लेना क्योंकि इसको ऐसे ही करते हैं। बेटा तूने पूरा दिखाया नहीं मम्मी को कि माइनस भूल गया मैं, है ना। ये मेरे सामने एक रो आ रही है, इसमें तीन बच्चे ऐसे हैं जिनमें तीनों के फादर और मदर टीचर हैं और सेम कोचिंग फील्ड में, अभी का केमिस्ट्री, दिव्यंका फिजिक्स, ऋत्विक गोयल मैथमेटिक्स, पीसीएम पूरा बन गया ग्रुप। चलिए बच्चा सेकंड क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ जाएं।
अभी टाइम है 15 मिनट और है, नहीं 10 मिनट है। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा थर्ड बना। हाँ सर। नहीं सर नहीं। यार गोयल क्या हुआ, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड पी एंड क्यू एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 60 डिग्री इज, बेटा थीटा गिवन है 60। ऑप्शन नंबर थर्ड है ना, तो मैंने इसको रिवर्स प्रोसेस से किया, मैंने ऑप्शंस पुट करके आंसर निकाला है, वो इजीियर रहेगा। तो मैंने ऑप्शन वाला तरीका सोचा ही नहीं। एक मिनट, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड पी एंड क्यू एक्टिंग एट ए एंगल 60 डिग्री इज √7q। रिजल्टेंट हमें गिवन है √7q, तो पी और क्यू का रेशियो बताना है क्या आएगा। बच्चों मैं इसको है ना डायरेक्ट करता हूं और एक इजी मेथड बताता हूं इसमें कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो सुनिए ठीक है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाइए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। मैंने स्क्वायर कर दिया, अब है ना फुल इक्वेशन को क्यू स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, मैंने किससे डिवाइड किया, क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर से, क्यू स्क्वायर से डिवाइड किया है और थीटा 60 पुट कर दो। बच्चों आर बाई क्यू √7 दिया है क्वेश्चन में, देखो तो आर बाई क्यू √7, √7 का स्क्वायर 7 हो गया। पी बाई क्यू मुझे निकालना है, इसे मैं x लिख देता हूं, अभी p by q को मैं x लिख देता हूं cos 60 half, तो एक क्वाड्रेटिक बन गया x square plus x minus 6 is equals to 0, इसे सॉल्व करके दो मुझे। सर 2 आएगा सर, 2 और minus 3 सर, तो 2 आंसर। स्प्लिट हो रहा है ये? हाँ हो रहा है सर। हाँ सर। ये देखो मैंने स्प्लिट कर दिया, तो x आ रहा है +2 और -3। तो बच्चों मैग्नीट्यूड का रेशो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो -3 इज नॉट पॉसिबल क्योंकि p और q मैग्नीट्यूड है, इट शुड बी पॉजिटिव, तो करेक्ट आंसर इज 2। तो बच्चों इसे सीधा भी कर सकते थे, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहा, वैसे भी ऊपर वाला क्वेश्चन करने के बाद हमें ये डिफिकल्ट लग भी नहीं रहा। यस सर। हाँ P by Q is equals to 2। यार वास्तव में T20 थोड़ा टफ तो है पर अच्छा लगेगा, पता है आप जब ये सब कर लोगे ना उसके बाद आपको बाकी क्वेश्चन इतने इजी लगेंगे। आप है ना एक बड़ा बकेट उठाओ 10 लीटर या 15 लीटर का और थोड़ी देर उसे उठाकर रखो, फिर कोई हल्का सा एक 1 लीटर वाला कोई कंटेनर उठाओ तो आपको लगेगा बहुत ज्यादा हल्का है, और पहले 1 लीटर वाला उठाते ना तो आपको हैवी लगता, तो आपको आगे है ना वेक्टर के क्वेश्चन आसान लगेंगे आप अगर इन सबको कर लोगे। तो बच्चों थर्ड अब समझ में आ गया, आगे बढ़ जाए फोर्थ, नंबर 4 बोलो। सर ये हो गया सर। पक्का सारे लोग बोल रहे हैं ना हो गया? यस सर। अगर किसी ने क्वेश्चन नहीं किए हो तो देख लेना, बचपन में हम बोलते थे पाप लगेगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 सर। नहीं सर ये समझ में नहीं आया कि सर क्वेश्चन क्या लगा दूंगा तेरे में, समझ में नहीं आया। मैक्सिमम और मिनिमम जो क्लास में सबसे ज्यादा डिस्कस किया है 6 और 8 का मैक्सिमम 14 होता है, मिनिमम 2 होता है, तो 14 और 2 के बीच में देख ले कौन सी वैल्यू है कौन सी नहीं है। अच्छा हाँ, तो 1 न्यूटन रेंज के बाहर है, 15 न्यूटन 15 रेंज के बाहर है, 20 रेंज के बाहर है, ओनली 11 न्यूटन इज पॉसिबल। यस सर। मेरे को लगा पर मेरे को लगा इतने सारे रिजल्टेंट थोड़ी ना है। कैन नॉट कैन बी अप्लाइड बोल रहा है ना, यानी कि 3 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन तो मिलेगा ना जो रेंज के अंदर होगा, बाकी तो रेंज से बाहर। ओके सर थैंक यू। हां क्वेश्चन नंबर 6 बोलो, किसको पूछना है सर? हो गया। नो सर। बना सर क्वेश्चन 6 तो इजी हो गया सर। वेरी गुड। 7 बताओ। नहीं सर बता दो। ए को हाफ करो, बी को अपोजिट करो, फिर डायरेक्शन देखने की कोशिश करो, इसमें मैं बता रहा हूं
डायग्राम भी बना रहा हूं। देखो बच्चों, हमें क्वेश्चन में बी छोटा बनाकर दिया है और ए बड़ा बनाकर दिया है, इतना बड़ा ऑलमोस्ट इधर इस डायरेक्शन में। सर मैंने हाफ किया और बाद में ऑपोजिट में, लेकिन कौन सा डायरेक्शन करने का समझ ही नहीं आ रहा। इस क्वेश्चन को पक्का ऑप्शन के बेसिस पर ही करना है, आप बिना ऑप्शन देखे आंसर नहीं दे सकते। तो मैं बता रहा हूँ, ए बाई टू माइनस बी है तो पहले बी को रिवर्स करो बेटा, कर दिया ये, कर दिया तो ये माइनस बी हो गया, और ए को जस्ट हाफ कर दो, डायरेक्शन सेम रखना है। तो डायरेक्शन आपको चेंज नहीं करना, ए का लेंथ हाफ करना है सर। तो फिर ए बी के इक्वल ही हो जाएगा, क्योंकि ए जो था वो डबल था बी के, ये दे रखा है क्वेश्चन। हाँ तो ए और बी इक्वल हो जाएगा, लेकिन अपन को उसका कुछ नहीं करना। अब ये जो बी वेक्टर है ना, इसको थोड़ा लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, इधर शिफ्ट कर दो, एरो भी शिफ्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों बी वेक्टर को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, ये माइनस बी को, सॉरी माइनस बी को, तो माइनस बी इधर आ गया। बच्चों अब आप है ना एक रफ आइडिया लगाइए इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, ऐसे बहुत रफ, एकदम रफ। तो बच्चों मैं दो तीन एरो बना रहा हूं, ए और बी का रिजल्टेंट इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। इन तीन में से कोई भी एक ऑप्शन से मैच करा लो, किससे मैच कर रहा है। ए ऑप्शन बहुत ज्यादा दूर जा रहा है, ए ऑप्शन ऑलमोस्ट एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल। सी नीचे आ रहा है तो सी नीचे नहीं आ सकता। डी ऑप्शन बिल्कुल बी वेक्टर की डायरेक्शन में है, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन इज बी, सेकेंड ऑप्शन इज बेस्ट ऑप्शन। बोलिए यस और नो। यस सर। तो बच्चों हमें ऑप्शन के बेसिस पर देखना है, ऑप्शन को मिलाकर देखना है कि विच इज बेस्ट। तो सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन इज बेस्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 सर, 8 में दो दो आंसर आ रहा था सर, ए और बी दोनों आंसर, आंसर दोनों मैच। मुझे लग रहा है वो मल्टीपल करेक्ट है, क्योंकि उसका लास्ट लाइन है द वैल्यूज ऑफ आर। मुझे लग रहा है ये मोर देन 1 वाला होगा, वैल्यूज पूछा है। तो सभी लोगों के दो आंसर आ रहे हैं ना। यस सर, माइनस 2/3 और माइनस 2 आ रहा था सर आंसर, ए और डी ऑप्शन। बाकी क्वेश्चन को बता दीजिए। यस सर, क्वेश्चन बता दीजिए कैसे। 8th को सॉल्व करते हैं, रुको 8th को सॉल्व करते हैं हम। बच्चों हमें एक वेक्टर गिवन है, i कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस 3k कैप, इट इज रोटेटेड थ्रू एंगल थीटा एंड डबल इट्स मैग्नीट्यूड, देन इट्स बिकम सेकंड वेक्टर जो लंबा वाला दिया हुआ है। अब सुनो बेटा, i कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस 3k कैप, ये कोई पहले वेक्टर था, इसके मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया, तो इनटू 2 कर दो, अब इसके मैग्नीट्यूड, अब ये पूरा वेक्टर लेकिन थीटा से घुमा दिया ना, तो हम इसको सेम वेक्टर नहीं लिख सकते, लेकिन थीटा से घुमाने पर कभी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, हम जानते हैं। तो बच्चों पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो कितना आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2i कैप प्लस 2x j कैप प्लस 6k कैप। याद है इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, रूट ऑफ उन सब स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अब ये जो मैग्नीट्यूड है ये उस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है जो क्वेश्चन में दिया है 4i कैप वाला। yes. तो दोनों के मैग्नीट्यूड को इक्वल करना है, वेक्टर को इक्वल नहीं करना, क्योंकि वेक्टर को तो हमने टर्न कर दिया था तो वो चेंज हो गया था, हमें पता नहीं वो वेक्टर क्या था, लेकिन मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होता। तो बच्चों अब इस मैग्नीट्यूड को दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल करना है, और वो क्या है, अंडर रूट 4 स्क्वायर 4x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। बेटा वो दूसरा सेकंड वेक्टर लिखा है ना, ये उसका मैग्नीट्यूड है। अब इसको सॉल्व करना है दोनों को इक्वेट करके, वही स्क्वायर पहले हटा देना दोनों साइड और फिर दोनों साइड सॉल्व कर लेना। मैं कर दूं, ज्यादा लंबा तो मुझे नहीं लग रहा। 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 36, ये तो आ गया पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले का आएगा 16, पूरा खोल दूं इसे, 16x स्क्वायर
माइनस 16x प्लस 4, ये 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर एक्सपेंड किया है मैंने, 2 स्क्वायर 4 होता है। कटा कुटा कुछ कुछ कटा पिटा, 16x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गए तो 12x स्क्वायर बचा, माइनस 16x अलग कर दिया और न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 16 प्लस 4 प्लस 4 8, 16 प्लस 8 24 होता है और उधर 40 है, माइनस 16 बचेगा ना। यस सर माइनस 16। यस इसे डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड हो रहा है 4 से, 4। अब ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करो तो दो वैल्यू आएंगी, आगे आप कर लेना, मैंने आपको रास्ता बता दिया बस यहाँ तक कैसे पहुंचना है, आगे का सफर आप अकेले तय करेंगे, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, चलो आज इस असाइनमेंट को पूरा कर ही देते हैं, टाइम तो हो गया, 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लें। आगे कोई डाउट नहीं है मुझे। नाइन्थ किसका डाउट है बोलो? नो डाउट सर। नो डाउट सर। और टेंथ? नो डाउट। नो डाउट सर। वेरी गुड। अब है ना मैं एक असाइनमेंट और सेंड करूंगा, तब तक आप इसका सेकंड वाला ट्राई कर लो। बच्चों चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस मुझे क्रॉस प्रोडक्ट में वो यूनिट वेक्टर वाली चीज और पढ़ानी है, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, खत्म नहीं हुआ चैप्टर, अभी नेक्स्ट लेक्चर में होगा। असाइनमेंट एक आपको सेंड कर दिया। अच्छा एक बात आपको बोलूं बच्चों, अब हमारा वो जो प्लेटफॉर्म है ना टर्निंग पॉइंट डॉट ऐप जो है, उसे हम लोग सिर्फ टेस्ट के ही काम में लेंगे, बस क्लास में आप डायरेक्ट ही आ जाया करो जैसे आज आए हो, और असाइनमेंट भी मैं आपको टेलीग्राम पर ही सेंड कर दूंगा, जैसे वेक्टर 1 2 3 सेंड किया तो टेलीग्राम के थ्रू काम कर लेते हैं अब हम, लेकिन एग्जाम देने के लिए आपको उस प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा, तो बी रेडी, नेक्स्ट संडे आपका टेस्ट होने वाला है। सर मैं एक बात बोलूं? हां मोस्ट वेलकम सर, क्वेश्चन 8 में एक ही आंसर आ रहा है ऑप्शन। हां सर क्योंकि उसका 2 आएगा लेकिन ऑप्शन में -2 है, इसलिए आंसर एक ही आ रहा। मुझे लग भी रहा था दोनों नेगेटिव शायद नहीं आएंगे, मुझे लग रहा था सर, इसमें मेरा -2 नहीं +2 आ रहा। हाँ सर वो +2 ही आएगा और उसका आंसर आएगा, मतलब कि जो सही है वो -2/3 है, उसमें जो दे रखा है ऑप्शन में -2/3 इसका आंसर, और दूसरा है फिर +2 आ रहा है वो ऑप्शन में नहीं। हाँ सर +2 ऑप्शन। हाँ तो बच्चों मैं क्लास एंड कर दूँ? यस यस। चलो अब हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट संडे को टेस्ट ले लेंगे, तब तक आप है ना जब तक मैं असाइनमेंट नहीं सेंड करता नेक्स्ट वाला, तब तक आप इसका वेक्टर 2 ट्राई करते रहो। ओके ओके बाय।